हेलो एवरीवन, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पार्ट थर्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और आपके आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी, जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आप आगे फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज लिसन इट केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? जब हम बात करते हैं बिजनेस में, हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं, जो हम बोलते हैं रोज होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स परचेज करना, सैलरीज देनी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? या बोलोगे ये तो मैम डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसी को तो बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। यही चीज होती है वर्किंग कैपिटल। तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं, कैपिटल रिक्वायर्ड टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की हम बात करें तो ये क्या होती है? वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट होती रहती है। जैसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल सर्कुलेट नहीं होती, वो तो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन वर्किंग कैपिटल का क्या होता है? वो हमारे बिजनेस में ही चेंजिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग सर्कुलेट होती रहती है। कैसे? मैंने कहा मैंने रॉ मटेरियल्स परचेज किया, मैंने पेमेंट किया, वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, और जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ तो मैंने उसे सेल कर दिया। सेल करके मेरे पास कैश आया, वो कैश मैंने वापस रॉ मटेरियल्स में लगा दिया। तो आप देख रहे हो ये चेंजिंग फॉर्म में जो पैसा लगाया वही पैसा वापस राउंड ऑफ होके, वापस सर्कुलेट होके मैंने रॉ मटेरियल्स में लगा दिया। तो ये क्या हो रहा है? ये चेंजिंग फॉर्म होने जा रहा है। जो रॉ मटेरियल्स को मैंने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कैश लाई और वही मैंने वापस रॉ मटेरियल में लगा दिया, अब वापस वही साइकिल होगी। तो ये क्या होता है? बिजनेस का पैसा ही बिजनेस में आए जा रहा है, सर्कुलेट हो जा रहा है, उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टीवेंस, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा है कि करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स क्या हो गए? कैश हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, राइट? ये सब चीजें हो गई। और करंट लाइबिलिटीज में बात करूं, मुझे क्रेडिटर्स पे करना है, मुझे शॉर्ट टर्म लोन पेमेंट करना है, या मुझे बिल्स पेबल करना है, तो जब मैंने ये असेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस किया, ये पे किया, उसके बाद जो अमाउंट बचा वही तो मैं बिजनेस में लगा पाऊंगी ना, तो उसे बोला जाएगा वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कभी करंट लाइबिलिटी ज्यादा हो गई और करंट असेट्स कम हो गया, तो उसे क्या बोला जाएगा? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। ये हो जाएगा पॉजिटिव, और वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, जो कि हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? ये दो तरीके के हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल क्रिएट हो जाएगी। देन कॉन्सेप्ट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कब बोला जाएगा? टोटल करंट असेट्स, रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल रिसीव, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो करंट असेट्स क्या हो गया? जब हम बोलते हैं ये जो असेट से हमें पैसा मिलने वाला है, जो स्टॉक है ये सेल होगा तो कैश आएगा, डेटर से आएगा, बिल रिसीवेबल से आएगा, तो ये अमाउंट क्या हो गया मेरे पास? ये पैसा ही मैं बिजनेस में वापस लगाऊंगी, तो इसीलिए इसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। आपको वर्किंग के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये वर्क करती रहती है, ये कैपिटल है ना, ये घूमती रहती है, तो इसे बोला जाएगा वर्किंग, राइट? ये शॉर्ट टर्म है, ये यहां से मेरे पास पैसा आया, मैंने रॉ मटेरियल्स में लगा दिया, वापस मैंने सेल किया, पैसा आया, वापस लगा दिया, तो ये क्या शॉर्ट टर्म है? ये कोई ये अमाउंट क्या मेरे पास बहुत टाइम तक रहेगा? नहीं रहेगा, ये तो बस लग जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो वही चीज वो बोल रहा है कि टोटल करंट असेट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जब हम नेट की बात करते तो इसमें से हम देखते कि इतना पैसा तो आएगा, बट इतना क्या होगा? पे करना है, तो बचा कितना? वो मेरा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, जो कि मैं बिजनेस में यूज कर सकती हूँ। क्लियर? नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन हियर, लेट अस रीड नाउ। इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, आपने अभी देखा करंट असेट्स में देखा हमने कि डेटर्स है हमारे पास, बिल रिसीवेबल्स है, कैश है, तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट, उसी से तो जनरेट हो रहा है ना पैसा हमारे पास, कैश आ रहा है उसी से हमारे पास, तो वही हमारा वर्किंग कैपिटल जनरेट करता है। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल है, ये ज्यादा लॉन्ग टर्म तक रहता नहीं है, आया गया आया गया। लिक्विडिटी रहेगी इसके अंदर, लिक्विडिटी तो है ही ना, मेरे पास डेटर्स है, मैं जब चाहूँ उसे पैसा मांग सकती हूँ, तो लिक्विडिटी क्रिएट रहेगी। लेस रिस्क, रिस्क इसमें ज्यादा नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है थोड़े टाइम में पेमेंट आ जाएगा, मैंने सेल क्रेडिट पॉलिसी 30 डेज की रखी, पैसा आ जाएगा, तो रिस्क इसमें ज्यादा नहीं रहेगा।
चेंजिंग फॉर्म, जो कि मैंने बताया, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स क्रिएट हुआ, फिनिश गुड्स से हमने सेल किया, सेल किया अगर मैंने कैश में तो पेमेंट आ गया, और डेटर्स अगर क्रेडिट पे किया तो 30 डेज बाद पैसा आ गया, तो क्या हुआ, वो पैसा वापस लगा है, तो ये क्या हुआ, वही पैसा मेरा वापस जनरेट होके लग गया, तो डेट इज चेंजिंग फॉर्म। क्या इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा? ये कोई असेट थोड़ी है, इसमें कैसे लगेगा, ये तो वर्किंग कैपिटल है, ये तो सिर्फ सर्कुलेट होती रहती है बिजनेस में, तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस, आपका जिसके अकॉर्डिंग आपका टाइप और आपका फॉर्म है, बिजनेस का बड़ा है छोटा है, जिस जिसके अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगेगी वर्किंग कैपिटल की। डे टू डे एक्सपेंसेस, ये मैंने कहा छोटे मोटे जो भी एक्सपेंस होते हैं उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो ये सब हमारी क्या हो गई, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक लिखी है। ये कैप्स वाला देखेंगे हम, इंडिया सोल्ड दैट इज इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल, लेटेस्ट रनिंग कार्स, इंडिया सोल्ड लेटेस्ट रनिंग कार्स, लेटेस्ट रनिंग रिस्क फॉर रनिंग कार्स टू एन आर, दैट इज नॉन रेसिडेंट को हम बोलते हैं एन आर, तो एन आर इन डॉलर्स, डी फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। तो ये हो गया मेमोरी टेक्निक, इंडिया सोल्ड लेटेस्ट रनिंग कार्स टू एन आर इन डॉलर्स। नाउ सम फैक्टर्स आर गिवन विच अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल, आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम चाहिए ज्यादा चाहिए, वो डिपेंड करेगा आपके ये फैक्टर से, देखते कौन से फैक्टर से डिपेंड करता है। फर्स्ट इज टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का किस नेचर का बिजनेस है आपका, मैं बोलूंगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है राइट, या हमारा ट्रेडिंग यूनिट है, तो उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर मैं बोलूँ कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें मुझे वर्किंग नहीं, उसमें मुझे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिएगा क्योंकि मशीनरी ज्यादा लगेगी, वहां पे ज्यादा मेरा ट्रेडिंग का काम नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में मुझे वर्किंग कैपिटल का ज्यादा लगेगा राइट। तो वो डिपेंड करता है आपका कौन सा बिजनेस है, आपका आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्रीज है तो उसमें फैक्ट्रीज है, उसमें मशीन्स है, तो उसमें आपका फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं लगेगा, तो इन पे डिपेंड करता है। देन साइज ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, छोटा है बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा, छोटा है तो कम वर्किंग कैपिटल, बड़ा है तो ज्यादा लगेगी। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल मतलब जब हम बोलते हैं कुछ भी प्रोडक्शन करने में टाइम कितना लग रहा है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि जितना प्रोसेस आपका ज्यादा लग रहा है उसमें आपको ज्यादा रॉ मटेरियल्स चाहिएंगे, आपको ज्यादा सैलरी वर्कर्स को देनी पड़ेगी, आपका टाइम बहुत जाएगा, तो उस केस के अंदर प्रोडक्शन साइकिल पे डिपेंड करेगा आपका वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइम ऑफ डिमांड, अब प्रोडक्शन पॉलिसी क्या हो गया कि क्या मेरा रॉ जो मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ वो मैं 4 मंथ्स करती हूँ, 12 मंथ्स करती हूँ, 6 मंथ्स करती हूँ, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। मैं बोल रही हूँ वूलन क्लॉथ का सेल जो होता है वो हार्डली 1 to 2 मंथ्स होता है, बट उसका प्रोडक्शन 12 मंथ्स हो रहा है, तो जब प्रोडक्शन 12 मंथ्स हो रहा है तो उसके अंदर मुझे वर्किंग कैपिटल भी 12 मंथ्स चाहिएगी, तो उसके अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल। स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक पाइल मतलब जब बोलते हैं अक्यूमुलेटेड रॉ हमें स्टॉक चाहिए उसे बोला जाता है स्टॉक पाइल, तो अगर मुझे स्टॉक पाइल मतलब बहुत सारा गुड्स रखना है स्टॉक में तो उस केस में तो मुझे रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिएंगे, और रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगी। क्रेडिट पॉलिसी, अब क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है ये देखिए, आप कॉन्सेप्ट समझे अच्छे से। क्रेडिट पॉलिसी मींस जब हम सेल कर रहे हैं, हम बोलते हैं आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सब चीजें क्या होती है क्रेडिट पे सोल्ड होती है टेक्सटाइल्स मार्केट्स में, तो उस केस में जब मैं यहाँ सोल्ड कर रही हूँ तो मैंने उसे 30 डेज का क्रेडिट रखा है, मैंने कहा मेरी पॉलिसी 30 डेज की तो मैं सेल करती हूँ, लेकिन जब मैं रॉ मटेरियल्स लेती हूँ तो पार्टी मुझे बोलती है आपको 20 डेज में पेमेंट करना है, तो आप समझ में आ रहा है मेरे पास तो पैसा 30 डेज में आ रहा है बट मुझे देना 20 डेज में, तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा 10 डेज का, तो उस केस पे उस पे डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, समझ में आया। तो ये जब मैं खरीदूंगी कैसे अगर मेरे पास पैसा ही नहीं आएगा, तो उस पे डिपेंड करेगा आपका वर्किंग कैपिटल, और उसके अकॉर्डिंग आपको बाहर से वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना पड़ेगा, तो इस पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैंने कहा मेरा तो कैश बेसिस ही है तो सेल का पैसा आ गया, इससे मैं खरीद लूंगी रॉ मटेरियल्स, तो उस केस के अंदर तो मुझे वर्किंग कैपिटल बाहर से लेनी ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इस पे अगर मेरा क्रेडिट पॉलिसी केस है तो उस केस में मुझे लेना पड़ेगा। जब मैं बोलूँ दोनों ही केस में 30 डेज का क्रेडिट है तो उस केस में भी रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं रहेगी क्योंकि मेरे पास पैसा आ जाएगा 30 डेज में और मैं खरीद सकती हूँ राइट, तो परचेज सेल का उस केस में इश्यू नहीं होगा।
कन्वर्जन ऑफ करंट असेट्स इनटू कैश। कन्वर्जन ऑफ करंट असेट्स में हम क्या बोलते हैं कि करंट असेट्स जो होंगे वो हम बोलते हैं इसमें तो लिक्विडिटी रहती है, तो इसके अंदर क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग भी अफेक्ट करेगा। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। अब स्टॉक टर्न ओवर रेशियो मतलब कि कितने पीरियड में आप कितना स्टॉक सोल्ड कर पा रहे हो, ये पूरा रेशियो आपका कितनी साइकिल आप घुमा पा रहे हो। मैं बोलूं 1 महीने में जो स्टॉक था मैंने बनाया फिर बेच दिया, फिर मैंने बनाया फिर मैंने सोल्ड कर दिया, फिर बनाया फिर सोल्ड, ऐसे मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो इसमें मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो बहुत अच्छा है, तो उससे मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिएगी क्योंकि मैंने सोल्ड ही इतना ज्यादा कर दिया कि पेमेंट तो आ ही जाएगा, और पेमेंट आ रहा है तो वर्किंग कैपिटल मुझे बाहर से लेनी नहीं पड़ेगी, तो उस पर डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जितने अच्छे से आप अपने रिसोर्स को यूज कर रहे हो, जितने एफिशिएंटली आप यूज कर रहे हो उतना वर्किंग कैपिटल आपको कम रिक्वायर्ड होगा। आप वेस्ट कर रहे हो, आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो पैसा तो लग ही रहा है लेकिन काम भी अच्छे से नहीं हो रहा, तो जितना एफिशिएंटली यू विल वर्क यू हैव टू गिव दैट मच अमाउंट लेस इन वर्किंग कैपिटल, तो वो चीज हो जाएगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमें पता है कंपनी का प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, डिविडेंड में जाता है, राइट? तो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है या आपके सेविंग्स में होता है, तो जितना ज्यादा आप डिविडेंड दोगे उतना कम आपके पास अमाउंट बचेगा कैश में, और जितना कम बचेगा आपको वर्किंग कैपिटल बाहर से लेना पड़ेगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पे भी डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल आपको कितनी रिक्वायर्ड है। अगर मैं कम दे रही हूँ डिविडेंड तो ज्यादा कैश पड़ा है मेरे पास वो मैं यूज कर लूंगी, लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा नहीं बचा तो उस केस में मुझे बाहर से अमाउंट लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा फॉर वर्किंग कैपिटल। तो ये चीज हमने क्या देखी, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल कंप्लीट हुआ हमारा। अब नेक्स्ट आ गया फिक्स कैपिटल। जैसे वर्किंग था वैसे फिक्स है, डिफरेंस क्या है फिक्स में, फिक्स्ड कैपिटल जो है वो होता है जो हम परचेस करते हैं, फिक्स्ड असेट्स लैंड मशीनरी प्लांट ये फर्नीचर्स ये जब हम परचेस करते हैं तो उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को बोला जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई भी असेट हम लेते हैं हम बोलते हैं 6 7 8 साल चलता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल हम बोलते थे शॉर्ट टर्म होता है, तो दैट इज इट मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरल इन्वेस्टेड इन बिजनेस फॉर 5 ईयर्स और अबव इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट रेशियो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, डिपेंड करता है आपका कौन सा बिजनेस है। मैंने वही कहा मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां मशीन ज्यादा चाहिए। ट्रेडिंग है तो आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए क्योंकि वहां फिक्स असेट्स कम चाहिए। वहां होता क्या है ट्रेडिंग में, परचेस किया सेल किया, एक शॉप ही तो चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है। डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगना है, जैसे जैसे हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन, एज यू ऑल नो। लॉन्ग पीरियड, फिक्स असेट्स हमारा लॉन्ग पीरियड में यूज होता है, हमें पता है 5 6 साल हम लॉन्ग असेट्स यूज करते हैं, दैट इज लॉन्ग पीरियड। लेस लिक्विडिटी, अब लेस लिक्विडिटी क्यों है, वर्किंग कैपिटल में मोर लिक्विडिटी था क्योंकि कभी भी हम कन्वर्ट कर सकते थे कैश में, लेकिन फिक्स्ड असेट्स को क्या हम जल्दी से बेच देंगे, नहीं बेचेंगे, और उसकी वैल्यू तो कम होती जाएगी ना। मैंने 5 लाख का एसेट लिया, जब मैं 5 साल तक उसे यूज करी उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है, 1 लाख पे आ चुकी है क्योंकि उसकी लाइफ ही 5 साल थी, राइट? अब इस साल मैं लाई हूँ दूसरे साल मैं बेचूंगी ऐसे तो मैं करूंगी नहीं, तो वही वो बोल रहा है इसमें लिक्विडिटी कम है, आप जल्दी से इसे सोल्ड नहीं करोगे। कॉम्पोनेंट्स, इसमें क्या होगा, कॉम्पोनेंट्स हमारा वही लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब क्या हो गया इसके कॉम्पोनेंट्स हो गए। सोर्सेज, लॉन्ग टर्म असेट्स परचेस करने क्या सोर्सेज हो गए, इक्विटी हो गया, डिबेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे सोर्सेज चाहिए। रिस्क, क्या इसके अंदर रिस्क है, रिस्क है या नहीं इसके अंदर, इसके अंदर हम बोलेंगे रिस्क इतनी नहीं होती, नहीं इसके अंदर रिस्क हम बोलते हैं होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम बोलते हैं हम जल्दी से इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हम जब चाहे इसके अंदर टेक्नोलॉजी जब चाहे चेंज हो सकती है, जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उस केस में मुझे रिप्लेस करना, मैं क्या आज तो ये मशीन चल रही है थोड़े टाइम बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो ये मशीन वर्क ही नहीं करेगी, तो उस केस में मुझे रिस्क तो है कि यार अभी मैंने 10 लाख की मशीन ली है 1 साल बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई सब लोग तो वो अफोर्ड कर रहे हैं मैं इसका क्या करूं, तो ये रिस्क बहुत बड़ी चीज हो जाएगी इसके अंदर, राइट? और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हम कर रहे हैं अब वापस कैसे करें जल्दी से दूसरा इन्वेस्टमेंट, तो दैट विल क्रिएट द रिस्क। देन मेमोरी टेक्निक, डीडी ने एलएल को सीएसआर कॉन्सेप्ट समझाया। सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, हर कंपनीज की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसे बोला जाता है। अब यहाँ पे अपना आ गया डी 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 देन एल एल देन सी एस आर, राइट? इजी टू रीड एंड लर्न।
नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. अब जैसे वर्किंग कैपिटल में अफेक्ट करता है, वैसे फैक्टर्स इसमें भी अफेक्ट करेगा. टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, राइट? बड़ा बिजनेस है तो बड़ा ज्यादा चाहिएगा, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें ज्यादा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए. ये मैंने बता ही दिया, साइज ऑफ यूनिट पे डिपेंड करेगा. यूज ऑफ ओनरशिप, जो आप असेट्स ले रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, खुद का परचेज कर रहे हो या फिर लीज पे ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है. खुद का परचेज करना चाहते हो तो आपको ज्यादा लगेगा फिक्स्ड असेट्स, आपको ज्यादा अमाउंट लगेगा. और अगर आप लीज पे ले रहे हो हायर परचेज तो कम अमाउंट लगेगा. रिसर्च एक्सपेंसेस, हम बोलते हैं जब हम कोई बिजनेस कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमारी हम रिसर्च भी करते हैं उस पे, तो उस पे भी डिपेंड करता है आपको कितना अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल चाहिए. मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजीज आती रहती है, जैसे जैसे हम बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. नहीं तो सारी कंपनी सारे बिजनेस तो आगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम ओल्ड टेक्नोलॉजीज, तो कौन आएगा हमारे पास, है ना? उससे हमारे गुड्स भी इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे, तो दैट विल क्रिएट द इश्यू. तो हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी फिक्स असेट डिटरमाइन होगी, फिक्स कैपिटल डिटरमाइन होगी. एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, आप क्या हो, आप प्रोप्राइटरशिप क्रिएट कर रहे हो, पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, उस पर डिपेंड करेंगे आपका फिक्स्ड असेट्स. प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है तो ज्यादा नहीं चाहिए आपको फिक्स कैपिटल, अगर कंपनी है तो ज्यादा चाहिएगी. गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट कुछ कुछ केसेस में हेल्प करती है, असिस्ट करती है. आपको लैंड की लैंड आपको ग्रांट कर दिया या आपको मशीन्स ग्रांट कर दी, तो ऐसे जब असिस्टेंस गवर्नमेंट देगा तो आपका फिक्स कैपिटल आपको कम रिक्वायर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही दे रहा है तो हमें क्यों चाहिए, राइट? और वैसे ही टैक्सेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन पॉलिसी लगाएगा, जैसे मैंने कहा कि अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है असेट्स पे, लग रहा है डेप्रिसिएशन, तो क्या होता है, बिजनेसमैन सोचते हैं कि हाँ असेट्स ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन लेंगे तो उसे डिडक्शन मिल जाएगा, राइट? तो इस तरीके से क्या होता है, टैक्सेशन पॉलिसीज भी क्रिएट होती है. टैक्सेशन से भी डिपेंड करता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, आपका फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड करता है. तो ये सब चीजें हमने क्या देखी, हमने ये कुछ देखा कि हमें किस तरीके से नीड होती है फिक्स्ड कैपिटल की और कौन से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं. नाउ लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले मीनिंग जो मैंने बताया आप लोगों को कि ये कैपिटल फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है और ये करंट असेट्स में हम बोलते हैं इन्वेस्ट होगा. ये लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा. इसमें लिक्विडिटी लेस रहेगी लेकिन इसके अंदर लिक्विडिटी हाई रहेगी, जब चाहे वैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं. रिस्क मैंने बताया था आपको फिक्स कैपिटल में ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ सकती है और जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई तो उस केस में मेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, तो मेरा खर्चा पूरा रिस्क में हो गया. देन यहाँ पे लो रहेगा, यहाँ पे सोर्सेज हमें बड़े असेट्स चाहिए तो हमें इस केस में शेयर डिबेंचर इश्यू करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे बैंक ओडी और छोटे मोटे सोर्सेज यूज होंगे. डेप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट होता है, यहाँ पे नहीं होता. एंड लास्ट इज रिक्वायरमेंट, यहाँ रिक्वायर्ड क्यों है, ये फिक्स असेट्स के लिए, फिक्स कैपिटल फिक्स असेट्स के लिए होता है और यहाँ पे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होता है. तो ये क्या था, ये हमारा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट किया, डेट इज वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल. होपफुली सबको समझ में आया, सो प्लीज लाइक कीजिए आप एंड कमेंट कीजिए. ओके बाय.